अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था दैट दे वांटेड टू नो अबाउट फैलेसीज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अच्छा, सबसे पहले तो फैलेसी टर्म का मतलब समझते हैं कि फैलेसी का मतलब क्या होता है। अ मिस्टेकन बिलीफ स्पेशली वन बेस्ड ऑन अनसाउंड आर्ग्यूमेंट्स। कोई ऐसा बिलीव जिस पे आप अरसों से यकीन रख रहे हों, सोसाइटी में काफ़ी सारे लोग उसको सही मानकर चल रहे हों, बट एक्चुअल में वो सही ना हो बल्कि वो मिस्टेकन हो, यानी रियलिटी उसके बरक्स हो। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे माइंड में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को सही मानकर पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि वो चीज़ सही नहीं है या रियलिटी कुछ और थी। तो इसी तरह से मॉडर्नाइजेशन की भी कुछ फैलेसीज़ हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ में। सो मैंने पाकिस्तानी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में जो फैलेसी मुझे समझ आई मैंने वो ऐड की है, और आप लोगों ने अपनी माइंड में जो आपकी फैलेसीज़ हैं वो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फैलेसी का मतलब तो हमें समझ आ गया, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम सही मानकर चल रहे हो, बिलीव रख रहे हो, बट एक्चुअल में वो मिस्टेक हो। अब हम फैलेसी ऑफ मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड मॉडर्नाइजेशन द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग समथिंग टू मॉडर्न नीड्स और हैबिट्स। एक ऐसा प्रोसेस, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम नई नई चीज़ों को, जदीद चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को, साइंस इनोवेशंस को अडेप्ट कर रहे होते हैं अपनी मॉडर्न नीड्स के अकॉर्डिंग। हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन की सबसे बड़ी फैलेसी ये है कि हम मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन को मिक्स करते हैं, हम दोनों को एक ही चीज़ मानकर चल रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों में एक बॉर्डर लाइन डिफरेंस है। सबसे पहले अब वेस्टर्नाइजेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि वेस्टर्नाइजेशन किस तरह से एक फैलेसी है मॉडर्नाइजेशन की पाकिस्तानी सोसाइटी में। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब होता है द अडॉप्शन ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड कल्चर ऑफ वेस्टर्न यूरोप by societies and countries in other parts of the world, whether through compulsion or influence. पहले के दौर में वेस्ट जस्ट एक टेरिटरी हुआ करता था, आज के दौर में वेस्ट इज़ मोर देन अ टेरिटरी। आज के दौर में वेस्ट को हम कॉन्सेप्ट के तौर पर समझ रहे होते हैं, और बेसिकली वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है जब हम वेस्टर्न यूरोप के कल्चर को, उनकी प्रैक्टिसेस को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको हम मॉडर्नाइजेशन का नाम दे देते हैं। ये है फैलेसी पाकिस्तानी सोसाइटी में। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने छोटी ड्रेसिंग की हुई है तो हम कहते हैं कि बड़ा मॉडर्न है, वो मॉडर्न नहीं है, उसने वेस्ट की ड्रेसिंग को अडॉप्ट किया है, कॉपी किया है, तो हम उसे कहेंगे कि वो वेस्टर्न है। अगर कोई चाइनीज़ फूड खा रहा है तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो मॉडर्न है क्योंकि उसने किसी और को कॉपी किया है। बट अगर हम ये देखें कि कोई हमारी सोसाइटी के अंदर अपनी मेंटालिटी को चेंज कर चुका है, बच्चियों की, गर्ल्स की एजुकेशन को फोकस करते हैं, अर्ली मैरिजेस का कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, लोग करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, तो इसको हम कह सकेंगे कि ये मॉडर्नाइजेशन है सही मायनों में। किस तरह से? कि मॉडर्नाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी में, इक्विपमेंट्स में डेवलपमेंट आना और साथ ही साथ लोगों के माइंडसेट्स के अंदर चेंजेस आना, प्रोग्रेस के साथ पॉजिटिव वे में लोगों का माइंडसेट अगर चेंज हो तो वो मॉडर्नाइजेशन है, जहाँ पे आप अपनी कल्चर वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। बट फैलेसी क्या है पाकिस्तानी सोसाइटी में कि हम मॉडर्नाइजेशन को वेस्टर्नाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर हमने वेस्टर्न लिबास को, अगर हमने वेस्टर्न फूड को कॉपी कर लिया है तो हम मॉडर्न हो गए हैं, बट वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वो वेस्टर्नाइजेशन होता है जिसमें हम वेस्ट को कॉपी कर रहे होते हैं। सो ये है एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट फैलेसी ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन पाकिस्तानी सोसाइटी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गई होगी, और अगर आपके माइंड में कोई फैलेसी है तो ज़रूर मुझसे डिस्कस कीजिएगा।